मौके दीदम आई थी मेरे घर, मगर बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो हयात। फिर क्या बात है? हयात पागल मत बनो, दीदम के और मेरे बीच कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कि आई लव यू हयात। हयात कहा था ना तुमसे हयात को कोई दुख पहुंचे, ये मैं होने नहीं दूंगा। हयात को जो भी दुख पहुंचा इस वक्त इब्राहिम, उसकी वजह सिर्फ तुम हो। हयात के लायक नहीं हो तुम मुराद। हयात से दूर रहो इब्राहिम, हर लिहाज से वो मेरी है। और हां, बाय द वे, अगली बार ऐसा हुआ तो तुम मेरे हाथ से बचोगे नहीं। हयात बात सुनो मेरी, हयात हयात बात तो सुन लो। मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, मुझसे नहीं भाग सकती, देख लिया ना। भाग जाऊंगी, छोड़ो मुझे। हरगिज नहीं, जितनी बार दूर भागोगी ऐसे ही आके जकड़ लूंगा। मुराद लोग देख रहे हैं, छोड़ दो मुझे। देखते हैं तो। दीदम। हाँ बाबा, वो आई थी मेरे घर लेकिन मामला कुछ और था। जो भी था बताओ मुझे। हयात नहीं बता सकता क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ मुझसे नहीं है। तुम किसी सूरत नहीं बताओगे मुझे, बहुत आला, बराबर हो गए हम। हयात, मैंने कहा था ना कि इब्राहिम से दूर रहना, वो तुम्हारे लिए कुछ और फीलिंग्स रखता है, अब देख लिया ना। ठीक है, तुम्हारी बात सही निकली, मुबारक हो, अब खुश। ये बात नहीं है। मैंने तो आई लव यू मुराद कहा था, तुमने दीदम से क्या कहा जब उसके गले से लगे हुए थे? हयात, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, यकीन नहीं आ रहा ना तुम्हें? तो आओ चलो। कहां पर? खामोश, पता चल जाएगा तुम्हें, चलो। आश्क लफ्तन अल्लामा।